हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के विकास में जिला स्तर पर शैक्षिक अभिकरण के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 को किया गया। ऐसे विद्यालयों की देखरेख हेतु मंडल स्तर पर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक तथा जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों की व्यवस्था रखी गई। प्रसिद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन वितरण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि के रखरखाव एवं सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा परिषद में लेखा संगठन की भी स्थापना वर्ष 1986 में की गई, जिसके अंतर्गत जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी जो कि बेसिक शिक्षा से संबंधित थे तथा परिषद मुख्यालय पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा का अधिष्ठान स्थापित किया गया। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। बेसिक शिक्षा परिषद के कार्य निम्नांकित प्रकार से हैं: जूनियर हाई स्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षिक स्तर का उन्नयन करना, जिला एवं नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के लिए स्तर मापक निर्धारण करना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं संचालित की गई है: सर्वशिक्षा अभियान, विद्यालयों में मध्यान्ह भोजना भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2007-08 से सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित की गई है। उपयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है: शिक्षा की पहुंच का विस्तार हो, बच्चों के ठहराव में वृद्धि हो, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुनियोजित एवं समयबद्ध कार्यक्रम संचालित है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट भारत सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग चरणों में डाइट्स की स्थापना की गई है। इन सेवा और पूर्व सेवा प्रशिक्षण वयस्क कार्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित करके अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण वर्तमान में राज्य में 70 डाइट SCRT के तहत काम कर रहे हैं। डाइट 2 साल का BTC प्रशिक्षण आयोजित करता है। यह राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार समय समय पर विशेष BTC और उर्दू BTC प्रशिक्षण आयोजित करता है। इनके अलावा डाइट प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विषय आधारित, कौशल आधारित और योग्यता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है। शिक्षा मित्र BRC NPRC समन्वयकों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित करता है। वैकल्पिक शिक्षिका शिक्षा के प्रशिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है और साक्षरता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम शिक्षा समिति को भी सहायता प्रदान करता है। डाइट के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: पूर्व सेवा प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुसंधान अध्ययन सर्वेक्षण, शैक्षणिक सहायता, प्रशिक्षित मॉड्यूल और उपकरणों का विकास। प्रशिक्षित मॉड्यूल और उपकरणों के विकास के तहत कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं उनके बारे में। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश प्रयागराज। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश कार्यालय प्रयागराज कार्यालय समय समय पर जारी किए गए GO के अनुसार नियमित परीक्षा और विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है। निदेशक राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज पदेन सचिव परीक्षा नियंत्रण प्राधिकरण उत्तर प्रदेश है। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्य इस प्रकार है: BTC प्रशिक्षण, BTC और NTT पाठ्यक्रम के संचालन के लिए NCTE से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से संबद्धता प्रदान करना, शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करना, BTC स्पेशल BTC 2 साल उर्दू BTC 2005-2006 IIT और 2006 सेकेंड के लिए परीक्षा आयोजित करना, दूर के मोड के माध्यम से BTC प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षा मित्र के लिए परीक्षा आयोजित करना, 2011 के प्रशिक्षु शिक्षा चरण के प्रशिक्षियों के लिए परीक्षा आयोजित करना, BTC प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षियों के लिए रोगग्रस्त मृतक आश्रित के रूप में परीक्षा आयोजित करना, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित करना और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करना।
1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा निर्धारित रणनीति के द्वारा 1987 में प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया। जिला शिक्षा संस्थान के प्रमुख रूप से 7 विभाग हैं: सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्य अनुभव विभाग, जिला संस्थान इकाई, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और हमारे जो व्यूअर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।